तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे सीड्स के रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सीड्स के हैंडलिंग जो होती है वीवी माइक्रो में हम कैसे करें। तो पूजा जी हमारे साथ है। पूजा जी, हम बात कर रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग की सीड हैंडलिंग की। हमने इससे पहले आपको फाइल्स के बारे में बताया। शुरुआत में बताया कि जो हमारा वीवी है वो मोस्टली चार ऑब्जेक्ट चलता है, मतलब कि वीवी कोई भी कोड लिखते हैं तो चार में से कोई एक होता है, एप्लीकेशन, वर्क, बुक्स, सीड्स, रेंज एंड रेंज। ये चार जो होता है वो मेन होता है, इन चारों में से ही जो आपका होता है। तो मैंने एप्लीकेशन को फिलहाल स्टॉप कर दिया था, मैंने स्किप कर दिया था, हमने वर्कबुक्स को पढ़ा, इससे ऊपर काम भी किए, अब बारी आती है सीड्स की। तो सीड्स को कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं सीड की कॉलिंग मेथड, मतलब कि हम सीड को कॉल कैसे करेंगे। जैसे वर्कबुक को हमने वर्कबुक्स एंड एक्टिव वर्कबुक से कॉल किया था, तो कॉल का मतलब समझिए क्या होगा कि उसके बाद हम मेंबर्स कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब कैसे उसको शुरुआत करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो वर्कबुक को हमने वर्कबुक्स एंड सीड्स से शुरू किया था, उसके दो तीन नियम थे जो कि मैंने बताया था आपको। ऐसे सीड्स के होते हैं, तो सीड्स के बेसिकली से मैं यहाँ पे सीड इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे सीड इंसर्ट करूँगा आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही जगह बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए तीन सीट्स है, तो यहाँ पे तीन सीट्स के नाम है। अब सीट के नाम देख रहे हैं कि सीट वन एंड ब्रैकेट में सीट वन। देखिए सीट वन मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी नेम, राइट, जो कि वीवीए समझ जा रहा है, जो ब्रैकेट से पहले है, जो ब्रैकेट में है कैप्शन नेम जो कि यूजर समझेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने सीट नेम की जगह पे यहाँ पे आपने जैन कर लिया ना, तो ब्रैकेट में अब सीट वन जैन हो जाएगा। हो गया जैन? हाँ बिल्कुल। तो सीड एक्सेल में वीवीए प्रोग्रामिंग में सीड्स के दो नेम होते हैं, प्रॉपर्टी नेम एंड कैप्शन नेम। अब आपको प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी का नेम लिखे, जो भी प्रॉपर्टी नेम है सीट वन। इसके बाद जैसे मान आपको जाना है तो एक्टिवेट डिलीट करना है, बाकी इसके बाद जो मेम्बर लगना है वो लगेगा। क्लियर है? अब अगर आपको कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलना है तो सीड्स और ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में सीड के नेम, उसके बाद सिलेक्ट एक्टिवेट जो लिखना है, जो इसके आगे करना है आपको, जो एक्शन देना है, जो काम करना है वो कर सकते हैं। तीसरा तरीका, अगर आपको नेम भी नहीं पता है और आपको प्रॉपर्टी नेम या कैप्शन नेम भी नहीं पता है, तो सिक्वेंस नंबर होता है सीड्स, और ये पहले नंबर पर है तो वन डॉट सिलेक्ट, और चौथा होता है एक्टिव सीड। ये बताने की जरूरत तो है नहीं क्या? करेक्ट। तो सीट वन मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी वन। तो सीट वन से कब चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी नेम से कब चलते हैं, जब हमारा जो कैप्शन है बार बार रिडेम होने के चांसेस, जैसे होते ना कि जैन का है, अगले महीने फैब का होगा, उसके महीने मार्च का हो जाएगा, इसे अप्रैल का हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नेम को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको फैब कर दिया, तो यहाँ मुझे देखिए कैप्शन नेम जो है, अब मुझे यहाँ पे ये जो है कैप्शन नेम को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर हो जाएगी। तो बार बार आपको ऐसा लगा कि आपका सीट बार बार नेम चेंज करता है, तो बार बार आपको जाकर सीट का नेम चेंज करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, शीट्स वन डॉट उसकी प्रॉपर्टी नेम, सीट वन जरूरी नहीं है, सीट टू भी हो सकता है, सीट थ्री भी हो सकता है, आपको यहाँ पे कुछ लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मंथ, अब प्रॉपर्टी नेम इसका मंथ हो जाएगा, हो गया मंथ, तो यहाँ पे मंथ जो डॉट एक्टिवेट होगा फिर, समझे? तो नाम कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ पे विजुअल होगा वही होगा। ओके, तो जब हम प्रॉपर्टीज वाला शीट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने मेंशन किया मंथ डॉट एक्टिवेट और शीट डॉट एक्टिवेट, हमने उस शीट को एक्टिवेट किया, लाइक ओपन किया, उस शीट पे गए, बट जब हम उस शीट का नाम दे रहे हैं लाइक शीट्स डॉट, हमने फिर फरवरी इन ब्रैकेट्स नेम दिया इनवर्टेड कॉमा में, देन वी आर राइटिंग डॉट सेलेक्ट, इससे पहले जो है वो चेंजिंग हो सकता है, इसके बाद सब पे सेम लगेगा, चाहे किसी भी कोड क्यों ना हो।
बात समझ ओके गया? तो हम एक्टिवली जैसे और सेलेक्ट दोनों लिख सकते जैसे वर्कबुक ओपन और एक्टिव वर्कबुक ओपन दोनों पे सेम वर्क करेगा, तो ओपन दोनों पे हैं। काम करेगा, करेंगे ठीक है। तो एक्टिवेट लिखिए या सेलेक्ट लिखिए, ऊपर भी आप सेलेक्ट लिख सकते हैं। तो एक्टिवेट जो होता है सिंगल सीट एक्टिवेट होता है, सेलेक्ट मल्टीपल सीट होता है, ओके। समझे? बट हम सिंगल शीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं हाँ और मल्टीपल शीट हाँ को भी। जैसे अब एक सेल हुआ ना, अब ये सेल में एक्टिव सेल भी आपका B4 है और सिलेक्टेड भी B4 है, लेकिन जब आप इसको एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे तो अभी सिलेक्शन क्या हो गया, सेलेक्शन बी हो फोर गया। से लेके D7, और एक्टिव सेल कौन सा हो गया आपका C4। तो सेम चीज हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो एक्टिव सीट हमारा फरवरी है पर सिलेक्टेड C3, C1, C2, C3 और 5 है, तो करेक्ट। दोनों में वर्क करता है। इसको फिलहाल अभी स्किप करते हैं, फिलहाल मेथड पे चलते हैं, इसकी कॉलिंग मेथड पे। ओके। तो जब आपका सीट का नेम बार बार चेंज होगा तो आप जो है उसकी एक प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग जाएंगे, और जब आपका सीट का नेम फिक्स है बट वो डिलीट होता जाता है, जैसे मान लीजिए पिछला मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक डेटा नाम से, राइट? तो मैं क्या किया कि मुझे नया डेटा डालना है, तो मैंने इसको डिलीट डेटा वाले सीट को डिलीट कर दिया और फिर यहाँ से एक प्लस किया और इसका नाम फिर हमने डेटा डाल दिया। तो यहाँ पे ये मंथ ये जो सीट कैप्शन नेम वाली ये प्रॉपर्टी नेम वाली जो है एक कोड वर्क नहीं करेगा, जैसे सीट डिलीट होगा प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगा। बिल्कुल तो उस केस में हम यहाँ चलेंगे कि अगर मैंने इसको डेटा कर दिया, आप सीट कोई भी डिलीट हो उससे मतलब नहीं है, बस डेटा नाम का सीट होना चाहिए माइक्रो रन होने से पहले। बिल्कुल। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक फोल्डर में सौ शीट का फाइल सीक्वेंस तो कभी भी चेंज हो जाता है ना, जब हम नहीं, रेगुलर अब काम कर मैं रहे हैं तो कभी इसका भी डिलीट होके हम न्यू क्रिएट भी कर हाँ तो सकते इसका हैं। बताते इसका यूज कब होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें ना सीट नेम पता है ना कैप्शन नेम पता है, तो उस केस में इसका लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर एक फोल्डर है उसमें 100 फाइल है, ठीक है, एक ओके। फोल्डर है उसमें 100 फाइल है और उन 100 फाइलों का लिस्ट जो है आपको डेटा लेना है। अब प्रॉब्लम है कि उसके सीट्स का डेटा लेना है, तो आपको पता नहीं कि 100 फाइलों के अंदर का सीट का नाम का क्या, लेकिन आपको पता है कि सारी सीट्स का लेना है, तो आप सीट का काउंट ले लोगे, वो सीट की काउंट कितनी है तो सीट डॉट काउंट पता चलेगा 5 है, तो आप 1 2 3 4 5 ले लें, चाहे उसका सीक्वेंस कुछ भी हो उसका नाम कुछ भी हो, आपको वन बाई वन लेना है सारा सीट लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे सारे सीट्स का नाम चेंज करना है, अब मुझे क्या पता पहले से नाम क्या है, तो शीट्स 1 डॉट नेम, शीट्स 2 डॉट नेम, शीट्स 3 डॉट नेम डाल देंगे, ठीक है। तो इसका यूज बहुत होता है जब हमारे पास बल्क में काम करना हो, सारी शीटों पे काम करना हो, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। और एक्टिव शीट तो पता ही है आपको एक्टिव क्या होता है। तो शीट वन मीन्स हम वन बाय वन सारी शीट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हाँ 2 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, उस फोर फाइल डाल में देंगे, शीट का सीक्वेंस होगा वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता जी है, जी शीट 1 2 3 4 5 ठीक ठीक है। करेक्ट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन पर आते हैं। अब यहाँ हमारा जो अगला ऑप्शन आता है, आप सीट पे क्या क्या काम हो सकते हैं उसके बारे में चल जानते हैं। सबसे पहले हम शीट्स को ऐड करेंगे, शीट्स डॉट ऐड, एक नई शीट ऐड हो जाएगी, और उसी ऐड की गई सीट को रिनेम करना है, तो आपको क्या करना है, एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू जो डालना है आप। लेकिन मुझे पता है कि डेटा नाम का सीट ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे शीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा, ठीक है। हेलो, ओके। एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा, और यहाँ पे शीट्स डॉट नेम डेटा डाल दें। तो अब ये जैसे कि आपको बाद में डिसाइड है नेम, तो इस केस में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव शीट को डालेंगे, जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। और यहाँ पे हमें एक नाम का ही सीट ऐड करना है, तो ये सीट सपोज ऑलरेडी हम किसी शीट में हैं, सपोज एक्टिव शीट में है, शीट वन में है, तो उसका नाम चेंज करना है, तो एक्टिव शीट डॉट नेम नेम इज इक्वल टू हम नाम दे सकते हैं, बट अगर हम न्यू शीट क्रिएट करके नाम चेंज कर रहे हैं तो हम नीचे वाला यूज। अब आपको किसी पर्टिकुलर सीट का नाम चेंज करना है, तो इसमें से अपनी मेथड को भी मेथड उठा लीजिए जो आपके सुटेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया शीट्स, कैप्शन नेम में हम दे दिया डेटा, और इसका नेम डॉट नेम इक्वल टू ओल्ड ओल्ड डेटा, ठीक है। या फिर सीट की प्रॉपर्टी नेम चलेगी सीट 4
डॉट नेम इक्वल टू ओल्ड डेटा, ठीक है। अब ये जो है सीट्स लेना, सीट का प्रॉपर्टी नेम लेना है या कैप्शन नेम लेना है, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया है, वो आप अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। हेलो पूजा जी। हाँ जी बिल्कुल सुशील। अब फिलहाल मैं अभी जो है सब एक्टिव सीट लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है कि सीट को रिनेम कर दिया। अब बात करते हैं कि सीट को अगर मुझे मूव करना, तो यहाँ पे हमने बोल दिया सीट टू डॉट मूव। अगर सिर्फ इतना लिख दिया तो क्या होगा कि वो सीट टू, जैसे सीट टू कौन सा है हमारा, सीट टू है, सीट टू आ गया। राइट क्लिक मूव, मूव में क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करेगा, यहाँ न्यू वर्क को भी सिलेक्ट करके एक नया फाइल में मूव कर देगा, तो एक नई फाइल क्रिएट करेगा और उसमें मूव कर देगा। लेकिन मुझे इसी में शीट थ्री के बाद करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीट थ्री आफ्टर है ना, बिफोर है, यहाँ पर बिफोर आफ्टर आ रहा ना, तो कॉमा करके बिफोर को स्किप कर देंगे और यहाँ पे आफ्टर आफ्टर सेमी कॉलन इक्वल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आफ्टर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे शीट्स या क्या आपका शीट थ्री है ना, शीट कैप्शन नेम दे दिया, या यहाँ पे भी जो नाम देना है वो आपके इस मेथड के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने सीट डॉट ऐड किया, तो जो जो हमारा एक्टिव सीट होगा उससे पहले ऐड होगा। आपको चाहते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर सीट के बाद आएगा, तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर है, मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीट्स और यहाँ पे नंबर दे देंगे थ्री, तीन के बाद ऐड हो जाएगा, समझे। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार तीन ही सीट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जितने कितने शीट्स हैं उसके लिए हम यहाँ पे शीट्स डॉट काउंट लगा देंगे, तो जितने भी शीट्स होंगे सब उसके हिसाब से लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और आता है काउंट, एक बार में एक सीट ऐड होगा, लेकिन आपको चाहिए कि मुझे फाइव सीट ऐड करना है तो फाइव दे दीजिए, एक बार में अभी फाइव सीट ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, फाइव ए इसके बाद जो अगला ऑप्शन आ रहा था उस पर चलते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कि हमने शीट को मूव कर दिया, लेकिन इसी फाइल में एक्टिव फाइल में, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बुक टू नाम का फाइल है, मैं बुक टू के सीट वन के बाद में, बुक टू के सबसे लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपका बुक टू ओपन है तो आप यहाँ पर लिखेंगे वर्क बुक्स और यहाँ पर बुक टू डॉट एक्सलेस एक्स या एक्सलेस एम जो भी एक्सटेंशन है आपका, ये लिखेंगे, ठीक है। ओके, नहीं ये आपने पूरा कंबाइन किया इसको। हाँ मतलब कि जैसे कि आपने अगर आपने अगर कुछ भी नहीं डाला, मान लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं डाला तो क्या होगा, जस्ट मूव कर दिया तो एक नई फाइल में मूव, नई फाइल में मूव कर। अगर आपने सिर्फ सीट का नेम डाला तो क्या होगा, उसी फाइल के उस सीट के बाद ऐड कर देगा या पहले ऐड कर देगा, करेक्ट करेक्ट। अगर आपने फाइल का पाथ दे दिया तो जो अगर, हाँ लेकिन फाइल ओपन होनी चाहिए, अगर फाइल ओपन है तो उस फाइल के अंदर शीट थ्री के बाद ऐड कर देगा। अगर सबसे लास्ट में ऐड करना है तो ए मेथड को यूज कर लीजिए, सीट डॉट काउंट, तो सबसे लास्ट में ऐड कर देगा, ठीक है सर, ठीक है मैम। ओके तो ये शीट्स टू डॉट मूव, हमने ये वाली शीट को मूव करा एक नई शीट में जो ओपन है, एक नई नहीं नई शीट, एक 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 ओपन फाइल के सबसे लास्ट जो ओपन है ऑलरेडी, मतलब बट ये शीट नहीं है, डिफरेंट शीट है। ओके ठीक है, वो दो शीट्स ओपन है तो हमने एक शीट से दूसरी शीट में मूव किया उसके लास्ट में जाए, ठीक है। हेलो
तो यहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं, तो यहाँ पे आपने मूव करना सीख लिया, मूव करना आ गया ना, मूव करना आ गया ना मैम आपको। पूजा जी मूव करना आ गया ना आपको? हाँ जी सुजीत जी, हमने सेम शीट में भी मूव करना देखा और डिफरेंट शीट में भी करना देखा है, न्यू शीट। और सेम फीचर्स होता है कॉपी के लिए, सेम जो मूव के लिए आप कर रहे हैं वो कॉपी के लिए। तो मूव कॉपी में क्या होगा कि आपका एक ओरिजिनल रहेगा और बाकी नहीं, ठीक है? ओके ओके, क्लियर है? क्लियर क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं इसको डिलीट करने की। जैसे मान लीजिए मुझे सी टू को डिलीट करना, लेकिन ये कोड डाल देंगे तो ये कोड डायरेक्ट नहीं डालूंगा, जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन पूछेगा। अब जब तक इसको कंफर्म नहीं करेंगे तब तक डिलीट नहीं करेगा, ये माइक्रो ब्रेकर हो जाएगा, माइक्रो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आपका इनपुट चाहिए होगा। तो जब भी आप डिलीट की कमांड लगाएं तो ऊपर में एक एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज कर दें, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? देखिए जो ये जो डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स हो रहा है सिर्फ इस माइक्रो के लिए हो रहा है, अगर माइक्रो आपके एप्लीकेशन की पूरी सेटिंग चेंज नहीं हो रही है दूसरे में दिखेगा। तो सीट डिलीट हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं सीट को हाइड कर, तो सीट वन डॉट सॉरी टू बना टू डॉट विजुअल। अब हिडन करने के दो तरीके, एक आपने सीट हिडन कर दिया तो नॉर्मल हिडन हुआ, जो कि आप जनरली जो लोग यहाँ से हाइड करते हैं ना वो हिडन होता है, कोई भी इसको यहाँ से अनहाइड कर सकता है इजीली से। लेकिन एक होता है हमारे पास वेरी हिडन, सीट टू डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन। अगर आपने इसको वेरी हिडन कर दिया तो क्या होगा, आपका सीट जो है कोई भी पर्सन यहाँ मतलब सीट यहाँ देख के अनहाइड नहीं कर पाएगा। उसको अनहाइड करने के लिए पीवीए प्रोग्रामिंग का कोड लिखना पड़ेगा कि सी टू डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल विजुअल, तब जाके विजुअल होगा, या फिर सीट पे जाएगा और यहाँ से विजुअल हो जाएगा, ठीक है? ओके। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर फायदा क्या हुआ, वो यहाँ से हाइड नहीं कर लेगा तो यहाँ से हाइड कर लेगा, बिल्कुल। तो उसके लिए कोई नहीं कर पाएगा, मतलब कि यहाँ से कोई हाइड कर लेगा कर सकता है तो यहाँ से अनहाइड भी कर लेगा। अब यहाँ तो यही चीज़ का सोल्यूशन है कि इसको लॉक किया, कोड को आप लॉक कर सकते हैं, टूल्स में जाएँ, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएँ, प्रोटेक्शन में जाएँ, लॉक प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग यहाँ पे पासवर्ड डाल दें। उससे क्या होगा कि आपका वीवीए प्रोग्रामिंग में विजुअल बेसिक कोई भी खोलना चाहेगा तो सबसे पहले नीड टू पासवर्ड, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिएगा पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवर नहीं होगा, तो उसी हिसाब से आप पासवर्ड लगाइएगा, ओके? करेक्ट करेक्ट। तो ये हम टूल्स में गए, वीवीए प्रोजेक्ट, वीवीए प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन। तो सीट को हमने हाइड करना सीख लिया। अब बात करते हैं सीट पे पासवर्ड लगाने का, सी टू डॉट प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट और यहाँ पे अपना पासवर्ड, और बाकी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना, वो क्या है, ये चेकबॉक्स है। जब आप पासवर्ड देते हैं तो बहुत सारे क्या होता है, चेकबॉक्स होते हैं। ये क्या होता है, अलाउ यूजर, जैसे आपने शॉर्ट पे क्लिक कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद यूजर कोई चेंज तो नहीं कर पाएगा बट डेटा को शॉर्ट कर पाएगा। तो इसी तरह की यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसे मुझे शॉर्ट पे शॉर्ट अलाउ शॉर्टिंग करना है ना, तो मुझे वन बाई वन जैसे खुमा 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 करके शॉर्टिंग पे जाना होगा और यहाँ पे ट्रू कर देना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वह इतना कॉमा कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसको इसकी नहीं, जितने भी और जैसे यहाँ पर हमने ये किया था ना, आफ्टर किया था बिफोर किया था, सबका एक तरीका है यहाँ पे कि सीट टू डॉट प्रोटेक्ट, यहाँ पे लिखिए पासवर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ सेम टाइप कीजिए और कॉलन इक्वल दे दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए। अब कॉमा
मैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलाउ सॉर्टिंग, तो मैं यहाँ लिखूंगा अलाउ सॉर्टिंग कॉलन इक्वल, ये बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड हो गया, इस तरह से दे सकते हैं। तो वो जब बहुत बड़े बड़े होते हैं कॉमा में कन्फ्यूजन होता है, तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। हाँ, कॉमा कितने देने हैं वो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आज सब कंफ्यूजन तो नहीं होती, क्योंकि जैसे डालोगे तो बोल्ड, वो बोल्ड होते जाता है ना, बोल्ड है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है, वो नीचे दिखा रहा है वो सर। अब अनप्रोटेक्ट करना हो शीट को तो क्या करेंगे, शीट टू डॉट अनप्रोटेक्ट, ये आपका अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फाइन फाइन। उसके बाद हम सीट को क्या करते हैं, टैब कलर में जो बैकग्राउंड कलर है तो वो चेंज कर देते हैं, सीट्स डॉट टैब, सीट्स नहीं होगा, सीट सीट टू डॉट टैब डॉट कलर, और इक्वल टू आप बेबी रेड ग्रीन ब्लू शाम मैजेंटा डाल सकते, ठीक है। ओके, हमें ये वीवी रेड वीवी लगाना ज़रूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कलर कुछ और डालना होता है, तो उसके लिए आपको आरजीबी कलर पे जाना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोर रूल्स पे गए, कस्टम, यहाँ है ना आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू, जो कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, आया इस कलर का कोड है 240 160, है ना। ओके, आर आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, ब्लू फॉर ब्लू, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी वी रेट के जगह पे आर जी वी, और यहाँ पे 240 106 160, ठीक है, वहाँ का मतलब एक तरह से पाथ दे दिया हमने। हाँ, कल आर जी वी पूरा एग्जैक्ट दिखा, ठीक है ठीक है, इस कलर को यूज कर सकते। तो सीट पे बेसिकली इतना ही होता है ना, हम सीट ऐड करते हैं, सीट को मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इतना ही करते हैं ना। करें ओके, तो इसकी सारी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। नाउ टाइम टू प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आपको ट्राई करना है, क्योंकि सेल्फ आपके पास सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। देखिए क्या होता है, इस प्रोग्रामिंग को हम लोग बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। आपको प्रॉब्लम आया तो उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, तो प्रॉब्लम को पहले समझिए पूरी तरह से, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझेंगे फिर एक्सेल की तरह उसको सोचिए, देन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, कल वाली फाइल, कल वाली जो हमने प्रोजेक्ट बताई थी उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। कल हमने बताया था आपको कि मुझे हर दिन फाइल फोल्डर क्रिएट करने होते हैं, तो मुझे क्या है कि मुझे अपना डेटा जो डाउनलोड करना है वो पूरे साल का डेटा डाउनलोड करना है। तो मुझे चाहिए 365 सीट्स, ठीक है, 365 सीट्स चाहिए, फाइल नहीं चाहिए, सीट्स चाहिए, लेकिन मंथ के हिसाब से वो फाइलों में अरेंज हो। जैसे कि अगर बात करें जैन की, अगर जैन की फाइल है तो उसमें एक से लेके उन 31 तक फाइल हो, ठीक है, 31 तक सीट हो। अगर हमने यहाँ पे 1.xls मान लीजिए ना, xls 2.xls का फाइल आपने बनाया, तो इसमें होना चाहिए एक से लेके 28 या 29 तक फाइल सीट्स, सबका रिनेम होना चाहिए। ऐसे थ्री में 3.xls का फाइल बनाइए आप, और उसमें जो सीट डालिए वो डालिए 1 से लेके 31 तक, क्लियर है। मतलब कि आपको एक ही फोल्डर में 12 फाइल बना लें, 1 2 3 4 9 के 12 फाइल बना लें, ठीक है, एक फोल्डर में 12 शीट्स, और हर शीट में शीट्स नहीं, उसको वर्कबुक बोलिए, फाइल बोलिए। ओके, तो एक फोल्डर में आपको 12 फाइल या वर्कबुक्स बनाने हैं, और उसका नाम जो है आप एक से लेके 12 तक दे दें, या फिर जैन से लेके 5 तक दे दें, वो आपके सुटेबल लगता है जैसे आप कर पाए। दूसरा, हर फाइलों में उस मंथ के हिसाब से सीट होना चाहिए, जनवरी में 31, फरवरी में 28 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ऐसे सीट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ, न ज़्यादा न कम। हर सीट का जो नाम है वो सीक्वेंस के हिसाब से 1
टू थ्री ऐसे होना चाहिए। ओके क्या करना है, समझ में आ गया आपको? करेक्ट करेक्ट। इसमें एक फोल्डर क्रिएट करने है, उस फोल्डर में हमें मंथ्स की 12 इसमें लूप, इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा सा लूप की भी जरूरत पड़ सकती है, तो लूप के बारे में भी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लूप तो आगे की चीज़ है, लेकिन जरूरत पड़ सकती है तो आप एक बार उसका भी ध्यान में रखिए, ठीक है? इसके लिए आप इंटरनेट, इसके लिए गूगल सबकी सहायता ले सकते हैं, बट समझना होगा और मुझे समझाना होगा। आपने लूप अभी हमने देखा नहीं, आप नहीं देखा है तो रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? जोड़ी नहीं के लूप से हो, लूप यूज किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, नहीं करेंगे तो थोड़ा लेंथी होगा, करेंगे तो इजी होगा। ओके ओके ठीक है, मैंने सजेशन दे दिया, हिंट्स दे दिए ताकि आप प्रैक्टिस करते समय, रिसर्च करते समय आप सही दिशा में हो, दिशा भटके नहीं। ओके ओके ठीक है बिल्कुल। इसकी कोड को बनाइए और कोड को मुझे व्हाट्सअप मेल जो करना है कर दीजिए, मैं देख लूँगा, अगर करेक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं करेक्ट हुआ तो फिर कल की क्लास में मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू मिलते हैं कल सेम टाइम। हाँ जी, थैंक यू सर, ओके।